हे एवरीबॉडी, दिस रियांश गुप्ता। तो आज मैं आ चुका हूँ जो जबलपुर के बहुत ही फेमस मूर्तिकार है शिवम चक्रवर्ती के, उनके एक गोडाउन में। पहले इसकी एड्रेस की बात कर लेता हूँ मैं। जब आप दमोह नगर साइड आएंगे तो स्मार्ट सिटी ऑफिस उसके पहले आपको पड़ जाएगा ये। और यहाँ पर बन रही है मूर्तियाँ, जो काली जी की, गणेश जी की सारी मूर्ति बन रही है। पर आज हम मेन शूट करने वाले गणेश जी का। आज पहले मैं इस गोडाउन को शूट करूँगा, उसके बाद जो है इनका एक और गोडाउन है जो दमोनाका में पड़ता है, जो हमारा पेट्रोल पंप है उसके बाजू में, उसका शूट करते हैं। शुरू करते हैं यहाँ से। तो पहले बाहर शूट करता हूँ। यहाँ पे आप देख सकते हो ये भैया यहाँ पे एक मूर्ति बना रहे हैं गणेश जी की, यहाँ बनते हुए देख सकते हो पूरी प्रॉपर। और इसके जस्ट सामने आप देख सकते हो छोटे से और बड़े गणेश जी हैं इनसे, इसका आप देख लो। और आप मेरे जस्ट पीछे देख सकते हो महाकाली की मूर्ति भी बन रही है यहाँ पे। पूरी अभी बनी नहीं है, जो फेस अभी बना नहीं है, और नीचे का भी आप देख सकते हो जिस सामने थोड़ी इससे बड़ी है, ये बड़ी है ना ये वाली। तो यहाँ पे आप देख कितने फीट की होंगी ये, साढ़े 11-12 फीट की होंगी। और जैसे आप बता रहे थे कि यहाँ पे मतलब आपके गोडाउन में सबसे बड़े गणेश जी कहाँ पे बन रहे हैं? पेट्रोल पंप के पीछे हमारा तीसरा गोडाउन। हाँ, तो ये कौन सा? फोर्थ। ये सेकंड गोडाउन। सेकंड गोडाउन है, फर्स्ट वाला वहाँ पे। फर्स्ट वाली मेन गोडाउन कलारी के बगल से। कलारी के बगल से हर गोडाउन जाएंगे तो वहाँ पे मेरे को सबसे वाले सबसे बड़े गणेश जी वो मिल जाएंगे। 15 फीट के, और एक कलारी के बगल से भी वो भी 15 फीट। 15 फीट के, दोनों 15 फीट के। तो अब चलते अंदर, यहाँ पे देख लेते कौन कौन से गणेश जी बन रहे हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हो यहाँ पे गणेश जी की एक मूर्ति है, जहाँ पे साथ में आप देख सकते हो ये महाकाल का है ना भैया, महाकाल की ज्योतिर्लिंग है। और यहाँ पे वो गणेश जी, ठीक है। तो यहाँ पे आप देख सकते हो जो गणेश जी है यहाँ पे महाकाल जल अर्पित कर रहे हैं। यहाँ पे आप देख सकते हो पूरी शिवलिंग जो बन गई है, अभी इसमें पूरा पेंट होना बाकी है, और भी चीज़ें बाकी हैं। जैसे कि आप देख सकते हो उसकी जो पूरी घिसाई चल रही है वहाँ पे उस मूर्ति की। यहाँ पे थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं अपन। यहाँ पे एक और जो है दुर्गा जी की जो प्रतिमा है वो तैयार हो रही है, यहाँ पे आप देख सकते हो इसको। साथ में अपोजिट में जो सिर्फ इसका स्ट्रक्चर तैयार हुआ है, और भी ये बनेगी। और यहाँ पे बहुत ही फेमस जो है हमारी सुनराई की जो माता बनती हैं, आप जानती होंगे, जैसे कि वो यहाँ पे तैयार हो रही हैं इस वाले गोडाउन में, जो इनका सेकंड गोडाउन है। और यहाँ पे आप एक और देख सकते हो, यहाँ पे एक और गणेश जी है हमारे, एक और प्रतिमा है, छोटी सी है, नॉर्मल सी है, इसमें देख सकते हो आप बहुत ही प्यारे लग रहे हैं ये। और साथ में आप देख सकते हो बाजू में दो शेर है। यहाँ पे आप दोनों अभी मूर्ति का वो बना रहे हो। भैया आपका नाम क्या है? अभिषेक। अभिषेक मलिक। मलिक। और आपका भैया? विवेक। विवेक चौधरी। तो यहाँ पे आप दोनों अभी यहाँ का हैंडल कर रहे हो। और यहाँ पे कितने लोग काम कर रहे होंगे? वहाँ पे कम से कम 25-30 लोग काम। यहाँ पर अभी सब राजस्थान गए हैं एक्चुअली। हाँ। राजस्थान में हमारी 3-4 मूर्तियाँ हैं, 15-15 गणेश जी की, पेंटिंग का काम रह गया है, तो आजकल में आ जाएंगे। अच्छा, तो फिर यहाँ पे और फिर जो काम बाकी है वो तेजी से हमारा स्टाफ आ जाएगा। हम वहाँ पे होंगे कम से कम 25 स्टाफ। तो जैसा कि देख सकते हो, जैसे भैया बताया कि यहाँ के जो मेन जो मूर्तिकार वगैरह है वो गए राजस्थान, वहाँ का शूट मतलब वहाँ का जो पेंट वगैरह करने के लिए। तो अभी हम चलते हैं दमोनाका वाले जो गोडाउन है, इनका थर्ड गोडाउन है ना भैया, वो थर्ड गोडाउन में चलते हैं और वहाँ की मूर्ति वगैरह देखते हैं किस तरीके से बन रही है। तो यार चलते हैं। यहाँ का आप देख सकते हो यहाँ पे मेन जो सुनराई की और गणेश जी की मूर्तियाँ बन रही है, वहाँ चलते हैं, वहाँ का देखते हैं। भैया आपका नाम क्या है? राकेश चक्रवर्ती। मतलब आप जो आपके जो 4-5 पंडाल और हैं, मतलब ये वाले जो वेयर हाउस बोलते हैं जिनको, तो वो आप ही के सब में अंडर में सारे। तो आप ये काम कितने साल से कर रहे हैं? मैं कर रहा हूँ 8 साल की उम्र से। 8 साल की उम्र से? और यहाँ पे जो सबसे बड़े गणेश जी? 6 साल की उम्र से। अच्छा, मतलब आप मान के लिए आप अपने फादर से सीखा होगा आपने? नहीं नहीं नहीं, बनती थी फादर से, मतलब मेन आपने ही स्टार्टिंग की है। हाँ, स्टार्टिंग में ये पिताजी। हाँ। बाकी मिट्टी का काम चलता था हमारे घर में। हाँ हाँ, कुम्हारी काम था। अच्छा, और फिर मूर्ति का बनाने का काम। हाँ। आपने शुरू किया। और यहाँ पे सबसे बड़ी मूर्ति गणेश जी कौन सी बन रही है? ये गढ़ा पाठक की बन रही है, अभी यहाँ पे है अपने पास। हाँ, बाहर रखी हुई है, जो वहाँ मेन रोड में बन रही है जो। जी। और उस साइड वहाँ पे कितनी बड़ी बड़ी मूर्ति होंगी फिर भी? वो 12-10 फीट 11 फीट। अच्छा, और सबसे बड़ी 15 फीट की? 15 फीट की। अच्छा, और यहाँ पे कितनी मूर्ति होंगी, मतलब यहाँ पे आपकी वाले वेयर हाउस में?
वो सब घर की मूर्तियां हैं, घर परिवार वालों के लिए। अच्छा, ये सारी यहाँ पे घर परिवार परिवार वालों के लिए। और जो बेचने वाली हैं वो सारी? वो नहीं, वो मतलब बेचने वाली हैं, मतलब परिवार छोटे छोटे ले जाते हैं लोग, लो, उनके लिए ये घर बनाते हैं ये सब। अच्छा, थैंक यू भैया। ओके। तो जैसे ही जब मैं कल वहाँ वाले जो इनके वेयर हाउस है वहाँ वीडियो बना रहा था, तो मैंने आपको बताया था कि मैं दूसरे वेयर हाउस जाके वीडियो बनाऊंगा, तो आज दूसरा दिन है, तो मैं आपको दिखाई देता हूँ। यहाँ पे बहुत सारी मूर्ति दिख जाएंगी आपको, यहाँ पे आप देख सकते हो, यहाँ पे गणेश जी की मूर्ति की जो है इसमें कलर हो गया, अभी फिनिशिंग बाकी है इन वाले गणेश जी में। और यहाँ पे आप देख सकते हो छोटे गणेश जी भी रखे हुए हैं सारे, यहाँ पे देख सकते हो बहुत सारी मूर्ति। और बाहर भी अभी हम चलेंगे तो जो सबसे बड़े वाले जो गणेश जी बन रहे हैं कड़ा फाटक के, वो भी दिखाता हूँ मैं आपको। गणेश जी देख सकते हैं यहाँ पे इनके बहुत सारे मुंह आपको दिख रहे हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 यहाँ पे देख 14 जो है गणेश जी के मुंह दिख रहे हैं आपको सामने। हाथ भी देख सकते हो कि कितनी प्यारी दिख रही है ये वाली मूर्ति। यहाँ पे आप देख सकते हो जो छोटी छोटी मूर्तियाँ वो कितनी प्यारी दिख रही हैं। अभी मतलब मेन सिर्फ इनकी फिनिशिंग बाकी है, मेन जो है आईज वगैरह बाकी है, और सब कुछ जो हो चुका है पूरी तरीके से सेटिंग हो चुकी हैं। यहाँ पे आप देख सकते हो यहाँ पे बहुत सारी छोटी मूर्तियाँ हैं। तो अभी जो है मैं जो शिवम चक्रवर्ती, राकेश चक्रवर्ती की जो मेन हाउस, मतलब मेन यहाँ के जो मेन आप जैसे मैंने ओनर से मिलवाया जो है राकेश चक्रवर्ती जी हैं, तो वो मेन मूर्तिकार हैं यहाँ के, बहुत ही फेमस है जबलपुर के। तो आप देख सकते हो मैं उनकी जो सबसे पहला वाला जो इनका गो डाउन है वहाँ पर खड़ा हुआ हूँ। ये इसका पहले एड्रेस की बात कर लेता हूँ, तो ये अपना जो है दमो नाका, जब आप इस साइड आते हैं क्या बोल सकते हैं पाइजर बिल्डिंग की साइड या कैसे, तो थोड़ा पेट्रोल पंप की थोड़ा सा आगे पड़ता है वो। यहाँ पे आपको दिख जाएगा दारू की दुकान, उसके जस्ट बाजू में गली जाती है। यहाँ से आप देख सकते हैं मैं इस रास्ते से अंदर, यहाँ पूरी आपको दिख जाएगी मूर्ति, यहाँ पे अंदर पूरी जो है दुर्गा जी की मूर्ति, यहाँ पे देख सकते हो गणेश जी की मूर्ति बन रही है, यहाँ पे भी बन रही है। यहाँ जो है इनका मेन पहला वेयर हाउस, यहाँ पे छोटी मूर्तियाँ बन रही हैं, और जस्ट इसके बाहर ही जो सबसे बड़े गणेश जी बन रहे हैं वहाँ चलते हैं, उनको देखते हैं वो कैसे हैं, और थोड़ा सा उनका फुटेज दिखाते हैं। उसके बाद हम चलेंगे जो जो 12-13 फीट वाले गणेश जी, वहाँ चलते हैं सामने। अभी हम पहले चल रहे हैं जो हमारे 15 फीट के गणेश जी, मेन गणेश जी हैं उनको देखने चलें, जो गड़ा फाटक वाले गणेश जी हैं वहाँ चलते हैं। बस जो है बाहर ही है, यहाँ पर आप देख सकते हो ये जो मूर्ति रखी हुई है यहाँ पर। मैं आ चुका हूँ जिनके फर्स्ट ग्राउंड, जो मैं अभी पहले नीचे वीडियो शूट कर रहा था मैं ऊपर आ चुका हूँ, तो आपने नीचे देखा कि जो फिनिशिंग बाकी थी गणेश जी की, और यहाँ मैं ऊपर आ चुका हूँ तो यहाँ पर बहुत सारे जो गणेश जी हैं जो इनकी पूरी फिनिशिंग हो चुकी है, पूरी आइस वगैरह सब कुछ बन चुके हैं। यहाँ पे ऊपर आया हूँ मैं, यहाँ पे आपको मूर्ति दिखाता हूँ किस तरीके की हैं। अब जैसे तो ये सारे जो गणेश जी हैं सारे बिकने के लिए है ना, ये है ना, यहाँ पे गणेश जी सारे बिकने के लिए आप देख सकते हो, जो बहुत ही प्यारे लग रहे हैं यहाँ पे, ये पहले ये देख सकते हो। फिर पीछे आप देख सकते हो यहाँ पे जो गाय के साथ बैठे हुए हैं पीछे, यहाँ पे जो है हमारे मूषक महाराज उनके साथ बैठे हुए हैं, यहाँ पे आप देख सकते हो पूरे जो है बहुत बढ़िया लग रहे हैं सारे देखने में, बहुत ही जो है मतलब अच्छे दिख रहे हैं। सकते हो जो ये सबसे बड़े वाले गणेश जी बाहर रखे हुए हैं रोड में, और ये 15 फीट के हैं ना, यही गड़ा फाटक वाले गणेश जी जो है। अभी ये कब कब निकलेंगे पंचमी में, ये आप देख सकते हो यहाँ पूरी जो प्रतिमा बन रही है अभी, इस तरीके से आप देख सकते हो पूरा। तो अभी मैं आ चुका हूँ उनके जो सामने वाला गोडाउन है, जहाँ पे मेन गोडाउन है उसके जस्ट अपोजिट में, यहाँ पे बहुत सारी मूर्ति जो बड़ी मूर्तियाँ वो बन रही हैं,
तथा भी आप मेरे पीछे पूरे देख सकते हैं, पीछे पूरे बैकग्राउंड में सारी मूर्तियाँ बन रही हैं और मैं आपको दिखाता हूँ किस तरीके की बन रही है, कितने कितने फीट की हैं। यहाँ पे, यहाँ पे सबसे बड़ी मूर्ति को कितने फीट की होगी भैया? 18 फीट की है वाली। अच्छा, वो वाली जो मेन थी वो 18 फीट की है, ये 14 फीट की है, ये दोनों 14 फीट की हैं, 16 फीट ये वाली, 16 फीट। अच्छा अच्छा, यहाँ पे आप देख सकते हो ये सबसे बड़ी, मतलब जो तीन मूर्ति यहाँ सबसे बड़ी है, तो मैंने आपको वहाँ सामने दिखाई थी वो 18 फीट की है, वो 16 फीट की, ये वाली ये 14 फीट की मूर्ति है, और यहाँ पे 10-15 फीट की, 10 फीट की भी होंगी ना ये वाली जो है। अगर आप देख सकते हो यहाँ पे 10 फीट वाली मूर्ति आप देख सकते हो बन रही है यहाँ पे, ये एक और दो, वहाँ सामने भी एक मूर्ति रखी हुई है दो वाली, वो भी मेरे हिसाब से जो है 15-16 फीट की होगी। सामने ये है, यहाँ काली जी की जो मूर्ति देख रहे हो, ये महाकाली, यहाँ पे आप देख सकते हो यहाँ मूर्ति जो है बहुत सारी रखी हुई हैं, बड़ी मूर्ति भी है जैसे मैंने आपको पहले भी बताया। अब थोड़ा सा इनका जो सिनेमैटिक बी रोल्स में शॉर्ट्स देखो, मेरे राइट साइड में जो मूर्ति रखी हुई है उसकी जो लेफ्ट साइड है भी, यहाँ पे मूर्तियाँ बनती देख सकते हो, पन्नी रखी हुई है, ये सब पंचमी के दिन उठने वाली है, अंदर काली जी की मूर्ति चल रही है। आप जैसे ये पूरा देख ही चुके हो सीक्वेंस किस तरीके का है, किस तरीके से यहाँ मूर्तियाँ बन रही हैं, कौन मी है आप देख सको। सामने गणेश जी देख सकते हो, मतलब इस तरीके से उन्होंने फ्रेम किया हुआ है कि झूले में बैठे हुए हैं, काफ़ी बढ़िया लग रहे हैं। यहाँ पे आपने देखा, जैसे कि आप देख ही चुके होंगे कि काफ़ी बढ़िया बढ़िया यहाँ पे जो है मूर्तियाँ बनी हुई, बहुत ही प्यारी प्यारी दिख रही हैं सारी। जैसे कि आप देख सकते हो मेरे पीछे जो बड़ी मूर्तियाँ हैं वो भी बहुत अच्छी लग रही हैं। तो यहाँ पे जो है मैं कर रहा हूँ वीडियो को एंड, अगर आपको वीडियो पसंद है तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, मिलेंगे आपको अगली ऐसी वीडियो पर।